अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं तमाम देखने सुनने वालों के लिए दुआगो हूँ कि वो हंसते मुस्कराते रहें। अगर आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मैं इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद हूँ और तकरीबन मुझे 5-6 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। मेरा सफ़र जो शुरू होता है वो 10 अगस्त को शुरू होता है, चूँकि मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर से है। और 10 अगस्त को मैं घर से निकलता हूँ और अपने दोस्तों के साथ, 8 दोस्त थे हम, और हम रावलपिंडी पहुँचते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं। रात को हम सदर रुकते हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं सब, और सुबह हम वहाँ से सदर से निकलते हैं और पीर वदाई अड्डे पे चले जाते हैं। पीर वदाई अड्डे पर जाने के बाद तकरीबन 1-2 का टाइम हो गया था, हमने वहाँ पर खाना वगैरह खाया और 1-2 दोस्त आ रहे थे पीछे हमारे, एक बंदा जो था हमारा वो पीछे रह गया था, तो उसने भी आना था, इस वजह से उसकी हम इंतज़ार कर रहे थे। जब वो भी पहुँच गया हमने मिलकर खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने हल्की फुल्की जो शॉपिंग करनी थी वो की और बूट शूट सही टैट हमने पहने, हम सीधे चले गए जी बस वाले के पास टिकट करवाने के लिए। तो मेरे ख्याल में 4,000 का टिकट होगा जो उसने सदा बार की बस है, उसका 4,000 का टिकट हमने करवाया। जब हमने टिकट करवाया तो उसने हमारी हालतें देखी तो पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई, तो हमने कहा जी क्वेटा जा रहे हैं दोस्त के पास, वहाँ कुछ आप शाप के सिलसिले में। तो उसने कहा जी आप क्वेटा नहीं जा रहे, आप जा रहे हैं तुर्की डंकी लगाकर। हमने कहा नहीं भाई, हम तो क्वेटा ही जा रहे हैं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। खैर ज़ाहिर है उनका डेली मर्रा का यही काम होता है, कितने इल्लीगल लोग जाते हैं उनके साथ। तो उसने कहा जी अगर ऐसा मसला है तो हमें बता दें, हमें ज़ाहिर रास्ते में फिर हमारे लिए भी एक मसला पैदा होता है। तो खैर हमने नहीं उसे बताया, हमने ऐसे किया कि हमने जाके वो शूज़ वगैरह उतार लिए और दूसरे जो आम शूज़ होते हैं वो पहन लिए हमने, वहाँ से ख़रीद कर जो स्लीपर वगैरह होते हैं वो पहन लिए। तो तकरीबन जी 6 बजे हमारा जो सफ़र है ना वो शुरू होता है, उस सदा बार में हम बैठते हैं और बड़े खुश होते हैं। वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली मुझसे डिलीट हो गई हैं, हमारे पास थी यहाँ पहुँचते हुए, लेकिन काफ़ी मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो 1-2 की हैं मेरे ख्याल में, आप देख सकते हैं इस चैनल पे जाके, एक वीडियो की है जो रास्ते की वीडियो थी हमारी। तो 6 बजे हम उस बस पे बैठते हैं, तो पूरी रात वो बस चलती है, तकरीबन 10-10:30 बजे हम जाके क्वेटा पहुँचते हैं।